गौर खेत है, बोले ये गौर खेत नहीं, ये राधा कुंड है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, उत्तर करके महाप्रभु ने आचमन लिया। आचमन लिया तो फिर धीरे धीरे सबको पता चला ये कौन है, राधा कुंड और ये श्याम कुंड। धीरे धीरे प्रचार हुआ तो लोग आने लग गए, अरे यही राधा कुंड श्याम कुंड हम पता नहीं था। तो लोग जब धीरे धीरे आने लग गए, उस समय शायद पीछे निकल था, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जब फिर उन्होंने आए यहीं पर भजन करते थे, राधा रानी स्वयं अपना जब धूप में बैठ कर भजन करते थे, राधा रानी स्वयं उनको पर ऐसे चादर करते थे राधा रानी। एक दिन सनातन गोस्वामी ने देख लिया ये धूप में बैठा हुआ और राधा रानी आकर के सर को पर छाया कर रहे, घर देखा उनके पास में दो बाघ को देखा पानी पीते थे। तो उन्होंने बोले तुम ऐसे भजन करते हो, मैंने देखा तेरे पास में दो बाघ पानी पीते हुए और देखा राधा रानी तुम्हारे सर के ऊपर में ऐसे कपड़ा रखकर छाया कर रही, तुम्हें मेरे को तो पता नहीं। बोले ऐसे राधा रानी स्पष्ट मत दो, तुम्हारे लिए एक कुटिया बना देता हूँ। उन्होंने उस तरफ जो गए थे उन्होंने कुटिया बना दिया, वहीं पर बैठकर भजन किया। खैर मुझे मन में इच्छा होती हजार हजार लोग आते थे दर्शन करने के लिए, चार तरफ कीचड़ कीचड़ था, लोगों को दिक्कत होता था। खैर सोचते थे अगर यहाँ पर अच्छे तरह सीढ़ी बन जाती ना, अच्छे तरह से लोग फिर उतर गए ना, अच्छे तरह आसमान स्नान कर सकते, इतना बड़ा किसी बन जाएगा। अरे बहुत बड़ा का सेठ बहुत पैसा लेकर के बद्रीनाथ जा रहा था, इतने में स्वप्न दिया कि पैसा लेकर के रघुनाथ दास गोस्वामी को वो राधा कृष्ण श्याम को बनाना चाहते हैं। खैर जब पैसा लेकर के आए, बोले भगवान मैंने क्या किया, था भजन कर रहा था लक्ष्मण में राधा कुंड तट हाँ चिंतामणि मय, राधा कुंड तट कहाँ चिंतामणि, अरे मेरे मन में क्या इच्छा हुई ये हाँ इसको पत्थर से बांध दे। खैर उन्होंने मन में सोचा मैंने क्यों ये सब इच्छा किया, क्या भजन कर रहे थे। बोले भैया आपको पैसा नहीं तुम ले। खैर ठाकुर जी स्वप्न दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को, देखो इसमें बहुत लोगों का कल्याण होने वाले हैं, ये पैसा मैंने भेजा है, अभी इसको अच्छे तरह से बांध दो। तब उन्होंने कृष्ण कुंड को, उन्होंने राधा कुंड को देखा ना चार चौकोना है, अच्छे तरह से उन्होंने बंधवा दिया। जब कृष्ण कुंड को बंधवाने जा रहे हैं, सोच रहे थे चार कोना से चौकोना करके ये कुंड को हम बनवाए, लेकिन देखा ये चौकोना नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा है, फिर जैसे काट करके अच्छे तरह से चौकोना करके बनाई। फिर रात को पंच पांडव आए, बोले रघुनाथ हम यहाँ पंच पांडव ये वृक्ष रूप में हम भजन कर रहे हैं, अगर चौकोना करने जाओगे ना फिर हम लोग काटे जाएंगे, ऐसे मत किया करो, तुम अमुक दिशा में आकर देखना, हम पांच बेड लाइन करके वहाँ पर बैठे हुए, सचमुच आकर के देखा पंच पांडव पंच वृक्ष रूप में भजन कर रहे हैं। बोले कृष्ण की जैसे इच्छा है, कृष्ण तीन जगह से टेढ़े है ना कुंड, तो कृष्ण कुंड कृष्ण है, हैं कृष्ण कुंड, बोले कृष्ण की जैसे इच्छा वैसे इच्छा, इसलिए देखना एक कुंड देखो ऐसे करके ऐसे चला गया, ऐसे करके वहाँ चला गया, वहाँ से वहाँ चला गया, ये कुंज को भी देखोगे ये तीन जगह से कृष्ण कुंड भी तीन जगह से टेढ़े है। बोले सर टेढ़े टांग वाले की जय, आपके भी यार जय, राधा कृष्ण श्याम कुंड की जय। महाप्रभु यहीं पर बैठ करके तमाल वृक्ष था, बैठ करके राधा कृष्ण दोनों का दर्शन करते हुए यहीं पर हरिनाम करते थे बैठ करके।